स्वागत है आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में। तो अभी मैं हूँ द कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में, और आज की जो जर्नी हमारी है होने वाली है महाबोधि एक्सप्रेस के साथ, जो न्यू दिल्ली से गया के बीच दिल्ली चलती है। तो ये न्यू दिल्ली का पार्किंग एरिया है फोर व्हीलर का, और वहाँ हमारे तिरंगा शान से लहर रहा है, और सामने आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है न्यू दिल्ली। तो ये न्यू दिल्ली जंक्शन का बाहर का एरिया है। तो उधर है निकासी गेट, और देख लो ये ऑटो का कतार कितना लंबा लगा हुआ है। तो ये है न्यू दिल्ली का प्लेटफॉर्म नंबर वन। तो ये जंक्शन का अपोजिट साइड का एरिया है, और इस तरफ जो एरिया है काफ़ी बड़ा है, और इधर जो क्राउड है उस तरफ से की अपेक्षा बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर आपको दिल्ली मेट्रो जाना है तो आप इस साइड से जा सकते हो। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर, स्टेशन के अंदर मतलब। तो अभी मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे, और सामने लगी हुई है डिब्रूगढ़ राजधानी, अभी जस्ट खुलने वाली है। अभी टाइम हो रहा है 12:16, और हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो भीड़ देख रहे हो आप कितना भीड़ है, जबकि ये गाड़ी डेली चलती है, फिर भी देख लो भीड़ कितना है। ओ भाई साहब, इसमें भी वाइप 7 लगा हुआ है। गाड़ी तो आके लग गई है, लेकिन भीड़ इसमें इतना है आप देख लो, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई साहब। तो चलते हैं हम अपना कोच में, मेरा जो कोच है S2 है, लेकिन मेरा जो सीट है कंफर्म नहीं हुआ है, मेरा RSC है। इतना भीड़, जबकि अभी नॉर्मल डे चल रहा है, ऐसा कोई नहीं फेस्टिवल है, फिर भी इस ट्रेन में इतना भीड़ है। तो फेस्टिवल में क्या होता होगा। तो अभी 12:42 हो रहा है, और हमारी ट्रेन का जो खुलने का टाइमिंग है वो 12:50 का है, लेकिन भीड़ जो इतना है कि मैं बता नहीं सकता, और मेरी सीट जो है RAC है। तो फिर देखते हैं रात में कैसे काम चलता है। तो हमारी जो गाड़ी है राइट टाइम पे डिपार्च हुई है, और भीड़ के कारण मैं गेट पर से रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, विंडो की तरह से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है गेट पर, क्या बताऊँ। तो टाटा बाय बाय दिल्ली। तो ये थी अलीगढ़ हमारी ट्रेन की पहली स्टॉपेज, जो दिल्ली से 130 किलोमीटर दूर है,
और इसके बाद हमारी ट्रेन रुकेगी कानपुर सेंट्रल में, जो यहाँ से 210 किलोमीटर दूर है लगभग। नहीं नहीं 310 किलोमीटर दूर है, सॉरी। तो टाइम हो रहा है 6:17, तो हमारी गाड़ी यहाँ पे 20 मिनट लेट आई है। तो भाई 5 मिनट रुकी गाड़ी और एकदम से खुल गई। मैं सोचा कुछ बात करूँगा लेकिन तब तक खुल गई। तो अलविदा कर रहे हैं हम कानपुर की, और मात्र 5 मिनट ही रुकी है, 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं रुकी यहाँ पे, क्योंकि पीछे जो आ रही है बिहार संपर्क क्रांति पीछे ही है इसके, इसके चलते इसको जो है हरी झंडी दे दी गई है। तो भाई लोग अभी हम पहुंचे हैं प्रयागराज जंक्शन। तो हमारी ट्रेन जो है ये 1 घंटा लेट चल रही है, तो यहाँ हमारी ट्रेन की बस 5 मिनट की हॉल्ट है, उसके बाद फिर यहाँ से रवाना होगी। और ये जंक्शन बहुत ही बड़ा है, तो अगर आप कुछ यहाँ पे खाना बनाना चाहते हो तो खा सकते हो, यहाँ पे आपको भोजन मिल जाएगा। तो अब तक हमने 650 किलोमीटर दूरी तय कर ली है और 350 किलोमीटर दूरी और रहा है। तो इसके बाद आएगा विंध्याचल, और विंध्याचल के बाद आएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। उसके बाद हम अपना रूट चेंज कर लेंगे, मतलब हमारी गाड़ी है जो जाएगी गया की ओर चल जाएगी। तो उधर आपको दिख रहा होगा जो हम सफर एक्सप्रेस है, वो आके प्लेटफॉर्म पर लग रही है और वो जाती है प्रयागराज से न्यू दिल्ली और विदाउट एनी स्टॉपेज, मतलब भारत में सबसे लंबा दूरी बिना रुके हुए चलने वाली ट्रेन है ये, मतलब प्रयागराज से सीधे न्यू दिल्ली, एक जगह भी रुकेगी नहीं है। और इधर हमारी महाबोधि एक्सप्रेस खड़ी है, तो अभी इसका जो टाइम है लगभग 20 मिनट हो चुका है, अभी तक नहीं खुली है, देखते हैं कब तक खुलती है। तो फाइनली 15-20 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन जो है यहाँ से डिपार्च हो चुकी है, और अभी टाइम हो रहा है 9:48। तो 1 से 1.5 घंटा लेट हो गई हमारी ट्रेन जो है, और इसकी अगली स्टॉपेज है विंध्याचल, उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो ये सासाराम जंक्शन, और यहाँ पे लाइट की कमी है इसलिए आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। और अभी हमारी गाड़ी जो है 3 घंटा लेट हो चुकी है, और उधर हमारी ट्रेन लगी हुई है, आपको शायद दिख रही होगी, मुझे भी पता नहीं।
तो यहाँ से जो गया का दूरी है वो 100 किलोमीटर पड़ जाता है, और यहाँ मात्र 2 मिनट की हॉल्ट है हमारी गाड़ी के, लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा रुकी हुई है। तो मैं आपको विंध्याचल नहीं दिखा पाया और ना ही आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिखा पाया, क्योंकि मैं उस टाइम मेरी आँख लग गई थी थोड़ा सा, तो वो दोनों जो स्टेशन है वो मिस हो गया मुझसे, और उसके बाद जो मेरी आँख खुली है यहाँ आके। तो फाइनली 20 मिनट रुकने के बाद हमारी गाड़ी यहाँ से चल चुकी है, और यहाँ से जो गया है लगभग 100 किलोमीटर पड़ता है, तो देखते हैं कब तक पहुँचाती है। वैसे कानपुर सेंट्रल तक तो जो गाड़ी है विदाउट लेट चल रही थी, लेकिन वहाँ से 1 घंटा फिर 2 घंटा और अब तक 3 घंटा से भी ज़्यादा लेट हो चुकी है। अब तक इसको पहुँचना चाहिए था गया, लेकिन अब तक नहीं पहुँची है। तो आप देख सकते हो जो इंजन है इस गाड़ी का जिससे हम आए हैं वो अलग हो चुका है, और हम पहुंच चुके हैं गया। तो गया हमने 3 घंटा देर से पहुंचा है, वो जा रहा है हमारा लोकोमोटिव BF7 था, काफ़ी स्पीड है, ओ भाई काफ़ी स्पीड है। ये रहा मेरा इंजन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।